अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज ये पकाएं विद दैनी खान। आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी रसमलाई। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध को बॉईल कर लिया है। जब यह बॉईल हो जाए तो इसके अंदर 1/2 कप आप चीनी डाल दीजिएगा, शुगर। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून पिस्ते हैं जो मैंने कूट लिए हैं, आप ये भी इसमें ऐड कर दीजिए ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। ये 5 अदद इलायची लिए मैंने, इसको खोल लिया है और ये भी इसमें ऐड कर दीजिए। इसको हिला दीजिए, जब तक ये पक रहा है हम अपनी डो की तरफ आ जाते हैं। अब मैं डो की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फुल कप भर के, आप देख भी सकते हैं कितना बड़ा कप है ये, फुल भर के नीडो दूध यूज़ किया है। 40 ग्रो दूध है, नीडो बुनियाद मत लीजिएगा वरना आपकी रसमलाई ख़राब हो जाएगी। 40 ग्रो लीजिएगा जो भुरभुरा वाला दूध होता है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर लिया है, ये ऐड कर दूंगी इसमें। 1 टीस्पून बारीक सूजी लिए है, ये भी लेवल करके लिए। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, ये तकरीबन 6 इलायची हैं जिसको मैंने पीस लिया है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है। मैंने अब इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है। जब ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल को ऐड करूंगी मैं। अब इस ऑयल को मैं दूध के अंदर हल्के हल्के हाथों से मिक्स करूंगी, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको करना है, ज़्यादा टाइट हाथों से मत करिएगा वरना आपकी डो ख़राब हो जाएगी और रसमलाई जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। अब ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक अदद अंडा लिया है, उसको फेंट लिया है मैंने, दरमियाने साइज़ का अंडा है। इससे मैं इसको डो को गूंद लूँगी, ये भी हल्के हाथों से आपको गूंदनी है। मैंने डो को बहुत लाइट हाथों से मिक्स कर लिया है, ये थोड़ी स्टिकी हो रही है, जब मैं बॉल्स बनाऊंगी तो ये मेरे हाथों पे चिपकेगी, तो इसलिए इसको मैं थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी इस तरीके से, ये देखिए, ताकि ये चिपके नहीं और बॉल्स बासानी मैं बना सकूँ। मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी, 1 साइज़ की बॉल्स बना लीजिएगा। यहाँ मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं, ये तकरीबन 15 बॉल्स बनी हैं इक्वल साइज़ की। यहाँ दूध जो है बॉयल हो रहा है, इसका मैंने फ्लेम हाई कर दिया है। अब मैं इसके अंदर बॉल्स को ऐड करूँगी। ये याद रखिएगा, ये स्लो फ्लेम पे आपको बॉल्स नहीं डालनी, बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर डालिएगा। इसके अंदर स्पून नहीं चलाना आपको वरना बॉल्स टूट जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये डबल साइज़ पर आ गई है, मैंने बहुत छोटी छोटी बॉल्स डाली थी, ये डबल साइज़ हो गया है इसका और ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट आपको पकानी है, तो ये इस साइज़ पे आ जाएगी तो आप फ्लेम बंद कर दीजिएगा। रसमलाई को मैंने डिश आउट कर लिया है, इस पर पिस्ते की गार्निश कर दी है मैंने। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।